अच्छा 100 मीटर पहले से आपको सिग्नल देना होगा। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। और सब कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे, अच्छा होंगे। सो गाइस, तो आज के वीडियो पे मैं बताने वाला हूँ, जो लोग हाउस ड्राइविंग के लिए नया बंदा इंडिया से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से आना चाहता है सऊदी अरबिया में, तो इधर का गाड़ी कैसे चलाता है, रूल्स क्या है, और लेफ्ट साइड में स्टेयरिंग है इधर का, तो पूरा फुल डिटेल्स में दिखाएंगे। और गाड़ी कैसे चलाता है जो नया बंदा है, तो पूरा फुल डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है। तो कोई भी मेरे वीडियो को स्किप नहीं करना। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दे, वाले पर क्लिक करें और मेरे वीडियो के आखिर तक बने रहेगा। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें। सो गाइस, तो चलिए चलते हैं गाड़ी के पास और दिखाते हैं। सो गाइस, इस साइड में है मेरा गाड़ी और अभी दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इधर देख सकते हो, इधर जो है ये वाला है ब्रेक और वो वाला है पिकअप। इधर क्लास नहीं है गाड़ी पे, तो मैं अभी गाड़ी में जाता हूँ। तो सबसे पहले आपका क्या करना है, जैसे सीट पे बैठा है तो सीट को सीधा कर लेना है, ठीक है। अगर कंफर्टेबल कर लेना है आपके जैसा, ठीक है, तो कैसे आपको कंफर्टेबल होता है वैसा कंफर्टेबल कर लेना है। फिर सीट बेल्ट लगाना है, उसके बाद क्या करना है, सीट बेल्ट लगाने के बाद जो है गाड़ी को स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। इधर है स्टार्ट करने का जगह, इसको दबाओगे तो ये स्टार्ट हो गया। अभी आप लोग देख सकते हो ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अभी ये स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होने के बाद अभी आपको मिरर सही करना है। ये जो मिरर है, ये जो दिख रहा है, ये मिरर को सही करना है दोनों तरफ का, देख सकते हो, ठीक है। ये सही नहीं है, तो ये सही करने के लिए सबसे पहले इधर जो है ये वाला जो स्विच है, तो इसको इधर प्रेस करना है लेफ्ट साइड का। तो अभी ये लेफ्ट साइड का, अभी देख सकते हो मैं अभी इसको सीधा कर ले रहा हूँ जैसे कि मेरे को कंफर्टेबल होता है देखने को। तो मैंने इसको सीधा कर लिया, अभी राइट साइड का, ठीक है। तो राइट साइड का भी सीधा करेंगे, ये सीधा हो गया, ठीक है। अभी जो है, अभी देख सकते हो इधर गियर, ठीक है। ये गियर थोड़ा अलग है, ऑटो गियर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं रहता भाई ये गियर कैसा, क्योंकि इंडिया में जो है, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में थोड़ा अलग रहता है, ठीक है। ऑटो गियर नहीं है, तो दूसरा सिस्टम है, मैनुअल गियर है, तो अलग सिस्टम है, ठीक है। लेकिन इधर जो है ये लिखा है, देख सकते हो इधर ये पी है, ये इधर आर लिखा है, इधर एन लिखा है, इधर डी लिखा है। तो इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, देखो, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो है पी पे खड़ा है ना, ये पी पे खड़ा है, मतलब पार्किंग में खड़ा है। अभी गाड़ी पार्किंग में है, ठीक है। तो अभी जो गाड़ी है, गाड़ी पार्किंग में खड़ा है, और फिर इसको इधर एक स्विच है, ठीक है, ये साइड में एक स्विच है। स्विच को ऐसा दबाओ, थोड़ा दबाने के बाद थोड़ा पीछे करो, तो ये अभी रिवर्स पे आ गया, ठीक है। ये जो आर पे आया, तो आर का मतलब इधर देख सकते हो इधर, ठीक है, ये साइड में इधर ये आर लिखा आएगा, ठीक है। इधर देखना, ताकि आप लोगों को पता चले, अगर समझ में नहीं आ रहा तो इधर देखना, ठीक है। तो इधर देखो, अभी आर पे है, अभी एन पे कर देता हूँ, उधर ख्याल रखना, ठीक है। ये देख सकते हो, अभी ये एन पे आ गया, तो ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अभी देख सकते हो, अभी डी पे लगाएंगे, तो डी का मतलब होता है ड्राइविंग। अभी ये ड्राइविंग मोड पे है, तो अभी गाड़ी चला सकते हो, ठीक है। अभी जैसे कि गाड़ी चलाओगे, देख सकते हो इधर डी पे है, तो अभी गाड़ी चलेगा, ठीक है। अभी देख सकते हो ये गाड़ी चल रहा है, ठीक है। और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये डी पर है, अभी न्यूट्रल करना है आपको, इधर देखना, ठीक है। न्यूट्रल करना है तो इधर कर देना, ये न्यूट्रल है, ठीक है। और एक चीज़ जो है, इधर बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता ये क्या है, ठीक है। इधर और भी स्विच है, ये है माइनस प्लस, ठीक है। ये माइनस प्लस का ये होता है, ये ऐसा करके थोड़ा इधर इधर ऐसा ऐसा माइनस प्लस होता है, ठीक है। इसका भी गियर लगता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। अभी जो नया बंदा है ये कैसे चलाएगा, ठीक है, रोड पर, तो ये मैं कैसे चलाता हूँ। अभी देखो, जैसे कि गाड़ी में अभी ड्राइविंग मोड पे लगा के रखा हूँ, अभी जा रहा हूँ मैं, तो रोड का साइड में बहुत सारा मतलब कैमरा रहता है, ठीक है। इधर आपको पुलिस भगाएगा नहीं, आप गलती करोगे तो आपको पुलिस भगाएगा नहीं, ठीक है। लेकिन कैमरा जो है, कैमरा लग जाएगा आपका, ठीक है। मैं अभी हाईवे पे जा रहा हूँ, तो आप लोगों को दिखाएंगे कैसे मतलब चलाता है, ठीक है। जो नया बंदा है, सिर्फ ये ध्यान रखना,
इधर बहुत सारा कैमरा रहता है और गाड़ी जो लिमिट है लिमिट क्रॉस नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इधर रोड पे हर रोड पे अलग अलग स्पीड रहता है, ठीक है, तो स्पीड का हिसाब से मतलब चलता है इधर। अगर स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो गया तो आपका फाइन आ जाएगा, ठीक है। सो गाइस, तो अभी मैं जा रहा हूँ इधर, तो सबसे पहले थोड़ा पार्किंग का दिखा देते हैं। इधर है पार्किंग, तो ये पार्किंग का लगा दिया है, हर जगह पे ऐसा पार्किंग नहीं रहता, ठीक है, पार्किंग का भी पैसा लगता है बहुत सारा जगह पे, तो देख लेना ऐसा ये पूरा पार्किंग का जगह रखा है, ठीक है। तो जिधर भी पार्किंग करोगे देख के लगाना पार्किंग, क्योंकि पार्किंग का बहुत सारा जगह पे पे करना पड़ता है, अगर उल्टा सीधा गाड़ी रख दिया तो इसके लिए भी आपको फाइन भरना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी जैसे कि मैं पार्किंग में मतलब गाड़ी खड़ा कर दिया, तो अभी इसको पार्किंग में डालेंगे, ये पार्किंग में डाल दिया और इधर है हैंड ब्रेक, ठीक है, ये हैंड ब्रेक को ऐसा कर देंगे। अभी ये जो है हैंड ब्रेक लगा दिया, अभी गाड़ी पार्किंग में है, इधर देख सकते हो जैसे कि पार्किंग में है, इधर पी इधर आएगा, ठीक है, इधर पी पार्किंग में है, ठीक है। तो अभी जो रोड में अगर नया बंदा जो है रोड में कैसे चलता है तो ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है। तो अभी इसको फिर से ये कर देंगे, नीचे कर देंगे और फिर रिवर्स में कर लेंगे। तो अभी मैं पीछे जाएंगे, ठीक है, जब भी पीछे जाओगे तो ये इंडिकेटर देना है, ठीक है, क्योंकि पीछे गाड़ी आएगा तो वो समझ जाएगा ये रिवर्स कर रहा है, ठीक है, ये पीछे आ रहा है, तो वो साइड हो जाएगा जल्दी से, ठीक है। तो इधर बहुत सारा कैमरा है, तो मैं हाईवे पे जाके दिखाता हूँ, ठीक है, तो देख सकते हो इधर, ठीक है। हमेशा जो नया बंदा है रोड का मिडिल से चलना है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग लाइन रहता है, जैसे कि ये साइड का जो लाइन दिख रहा है ये ट्रैक लाइन है, और ये जो मिडिल लाइन है अगर नया बंदा हो तो ये मिडिल लाइन पे, इधर देख सकते हो इधर 60 स्पीड में है, ये ब्रांच रोड है इसलिए 60 स्पीड में है, ठीक है। सो गाइस, तो देख सकते हो मैं अभी मिडिल से चल रहा हूँ, तो जो भी नया भाई लोग है जो पहली दफ़ा आ रहा है सऊदी अरबिया में, तो हमेशा ऐसा मिडिल से चलना है, ठीक है। मिडिल से चलोगे सोलो जाओगे या थोड़ा फास्ट जाओगे कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, लेकिन जो लिमिट है लिमिट क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। अभी सो गाइस, तो मैं अभी हाईवे पर आ गया हूँ और देख सकते हो अभी मैं मिडिल से चल रहा हूँ, तो जो नया बंदा है ऐसा हमेशा मिडिल से चलना है, और ये जो खूंटी दिख रहा है ना लंबा लंबा, तो इसमें भी कैमरा लगा रहता है, ठीक है, सीट बेल्ट हमेशा रखना और फ़ोन यूज़ नहीं करना, ठीक है, फ़ोन यूज़ करोगे तो आपका मुखालफा आ सकता है, और ये जो लंबा लंबा खूंटी दिख रहा है ये ध्यान रखना, इधर भी कैमरा लगा रखता है, ठीक है, कैमरा लगा के रखता है, तो हमेशा याद रखना, ठीक है। गाड़ी कैसे चलाना है आप लोगों को तो समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और ये जो साइड दिख रहा है लेफ्ट साइड में, ये स्पीड लाइन है, देखो सब स्पीड पे जा रहा है, ठीक है। और अभी जो मैं रोड से जा रहा हूँ, हाईवे है, ये 120 स्पीड का रोड है, ठीक है। अगर आप मिडिल से 100 स्पीड में जाओगे कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन लेफ्ट साइड से अगर 100 स्पीड पे जाओगे तो मुश्किल है, ठीक है। 120 लिमिट है तो 120 पे जाना है। अगर आप नया बंदा हो, अगर स्पीड में नहीं जाना चाहते हो तो मिडिल पे रहना है, ठीक है, तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये जो राइट साइड पे ये मतलब ट्रैक लाइन है, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको राइट जाना है तो 100 मीटर पहले से आपको इंडिकेटर देना होगा, ठीक है। तो अभी मेरे को राइट जाना है तो मैंने अभी इंडिकेटर दे दिया, इधर देख सकते हो, तो ऐसा इंडिकेटर दे दिया, अभी जाएंगे राइट साइड पे, ठीक है। तो देख सकते हो मैं अभी राइट साइड पे आ गया हूँ, इधर से एग्जिट लेना है मेरे को, ठीक है। तो अभी मैं ये एग्जिट ले रहा हूँ, ठीक है, मतलब दूसरे लाइन पर आ गया हूँ, ब्रांच रोड पे है, ब्रांच रोड, ठीक है। तो ऐसा 100 मीटर पहले से आपको सिग्नल देना होगा, अगर आप राइट जा रहे हो तो राइट पे 100 मीटर पहले से आपको सिग्नल देना होगा, अगर लेफ्ट जा रहे हो तो लेफ्ट पे अगर जाना है तो, अगर आपको लेफ्ट जाना है तो 100 मीटर पहले से आपको सिग्नल देना होगा, ठीक है। अगर तुरंत हो गए तो पीछे वाला गाड़ी समझ में नहीं आएगा उनको और फिर आपको गाड़ी पे ठोक देगा, ठीक है, तो ये याद रखना। तो मैं अभी ब्रांच रोड में हूँ, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इधर गाड़ी चलाना बहुत ही इजी है, और बहुत सारे जो भाई लोग हैं वो सोचता है इधर गाड़ी चलाना इजी नहीं है, ठीक है, बहुत मुश्किल है, कैसे चलाएंगे, इधर हाई स्पीड पे गाड़ी चलता है, सबसे पहले इधर हाई स्पीड पे चलता है, ठीक है। अभी मैं ब्रांच रोड पे हूँ, तो इसमें ये जो रोड देख रहा है ब्रांच रोड, इसमें 80 का लिमिट है, और वो जो हाईवे पे है
जो जा रहा है वो साइड में जो जा रहा है, तो इसमें है 120 स्पीड का है, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम है। तो जो नया बंदा है तो हमेशा याद रखना फ़ोन यूज नहीं करना गाड़ी चलाते वक्त, और अगर आपके साथ मैडम हो या सैर हो जो भी है, अगर आपको आप लेके जा रहे हो उनको, तो हमेशा ध्यान रखना कोई गलती ना हो आपसे। अगर गलती होगा, कोई मुश्किल होगा, ठीक है, तो प्रॉब्लम है। और ये जो रेड सिग्नल है, रेड सिग्नल क्रॉस करोगे तो पहले ये इसका ये कम था फाइन, लेकिन अभी पूरा 3000 रियाल कर दिया गया, ठीक है। अगर एक महीना में दो सिग्नल क्रॉस करोगे तो 6000 रियाल, जिसका कीमत इंडिया में मतलब 130000 फाइन भरना पड़ेगा। फोन करते करते अगर आप जाते हो तो आपका भी फाइन आएगा, जैसे कि 300 रियाल फाइन आएगा, ठीक है। सीट बेल्ट का 2000 रियाल फाइन आता है, तो ये समझ लेना, ठीक है। अभी इधर ये सिग्नल आ गया, अभी इधर और एक सिग्नल आ गया, ठीक है। अभी ये सिग्नल से मेरे को लेफ्ट जाना है, ठीक है, तो मैं अभी लेफ्ट जाएंगे इधर से, और इस साइड में देख सकते हो, इधर ये सब बोर्ड पे पूरा लिखा रहता है कौन सा जगह है, किधर जाना है, ठीक है, तो ये पूरा लिखा रहता है। तो इधर देख सकते हो, ये कैमरा लगा के रखा है, ये जो दिख रहा है ये डब्बा, ये कैमरा है, ठीक है। वो आगे देख सकते हो, उधर मैं जूम करता हूँ, ये भी कैमरा है, ठीक है। तो बहुत ही संभाल के ये कैमरा फ्लैश मारता है, अगर सिग्नल क्रॉस करोगे तो 3000 रियाल जाएगा आपका, ठीक है। बहुत ही संभाल के गाड़ी चलाना होगा। सुबह तो मैं अभी लेफ्ट साइड पे आ गया हूँ, और अभी मैं जा रहा हूँ रूम पे, ठीक है। तो इधर का नजारा भी देख सकते हो, और रोड बहुत ही जबरदस्त रोड है इधर, ठीक है। गाड़ी चला के तो आपको बोले तो इतना मजा आ जाएगा सही में, बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। लेकिन जो भी भाई लोग नया बंदा आ रहा है सऊदी अरबिया में हाउस ड्राइविंग के लिए, तो गाड़ी बहुत ही संभाल के चलाना, और इधर स्पीड में चलता है गाड़ी, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। और इधर एक्सीडेंट बहुत खतरनाक होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो बहुत ही संभाल के ड्राइविंग करना। और जो भी भाई आ रहा है तो उनके लिए मेरी तरफ से ये मैसेज है, ठीक है। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो नया बंदा आ रहा है उन लोग ये वीडियो देख के थोड़ा बहुत उनको जानकारी मिल जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा जो नया बंदा आता है उनको मालूम नहीं रहता है कैसे चलाना है क्या नहीं है। इधर का रूल जो है, सिर्फ आपको रूल्स को फॉलो करना है और कुछ नहीं है। अगर रूल्स फॉलो करोगे तो कोई मुश्किल नहीं होगा आपको, ठीक है, तो ये समझ लेना। अभी मैं जाएंगे राइट साइड पे, तो मैं सिग्नल भी दे दिया हूँ, और इधर ये सुगाज। तो मैं अभी आ गया हूँ मेरे रूम में, और गाड़ी कैसे चलाना है, कैसे रूल्स फॉलो करना है आप लोगों को मैंने दिखाया हूँ, और मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। सो गाइस, तो आज का वीडियो यही तक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय गाइस।